और अब बात करते हैं आपकी शराब कांड के स्टिंग की। दिल्ली की शराब नीति पर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी। पुरानी शराब नीति थी, उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई? तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होके किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो बीजेपी ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन। प्रॉफिट दी गेम 80% संबित पात्रा ने पूछे 5 सवाल। नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा? शराब नीति सही थी तो क्यों वापसी ली? कब जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी के आरोपों पर सिसोदिया का पलटवार। पीएम मोदी से पूछे 3 सवाल। दिल्ली शराब नीति पर स्टिंग से निकला घोटाले का जिन। तो मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि सीबीआई को जांच में उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है और इस पर अब सीबीआई का जवाब भी आ चुका है कि सिसोदिया का बयान भ्रमित करने वाला है। मनीष सिसोदिया लगातार दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दिया है। इस पर सीबीआई की ओर से जवाब दिया गया है कि सिसोदिया का बयान भ्रमित करने वाला है। जितेंद्र कुमार जांच में शामिल नहीं थे, सिसोदिया का बयान भ्रमित करने वाला सीबीआई की ओर से बयान दिया गया है। जितेंद्र कुमार जांच में शामिल नहीं थे। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि सीबीआई की जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, क्लीन चिट मिली है, यह भी दावा किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और मनीष सिसोदिया भी लगातार दावा कर रहे हैं और इस पर सीबीआई ने खंडन किया है और कहा है जितेंद्र कुमार जांच में शामिल नहीं थे। शराब नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और इस बीच सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया के बयान को भ्रमित करने वाला बताया गया है। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी गई है और नई एक्साइज पॉलिसी जो लागू की गई थी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उसमें घोटाले का आरोप लगाकर बीजेपी रोजाना नए हमले कर रही है। जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों? आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे? दूसरा सवाल है मेरा कि क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? जिस तरह से राज्यपालों से, उपराज्यपालों से दबाव डाल के उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई पे दबाव डाल के, ईडी पे दबाव डाल के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी की ओर से सीबीआई को लेकर दावे किए जा रहे थे और सीबीआई ने इस पर खंडन जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं एक ये काउंटर ऑफेंस की रणनीति है आम आदमी पार्टी की, जिस पर सीबीआई को भी बीच में घसीटा जा रहा है। देखिए, जिस तरह का बयान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया था, वो अपने आप में बताता है कि उनको इस बात की जानकारी कम है, क्योंकि जितेंद्र कुमार जिन्होंने आत्महत्या की थी, जो कि सीबीआई के डेप्टी लीगल एडवाइजर थे, वो किसी भी तरीके से जांच अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि जांच अधिकारी अलग होते हैं और जो लीगल ओपिनियन देते हैं, जो कि उनके ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स होते हैं, जो भी प्रोसिक्यूशन होते हैं, यानी कि जो भी चार्जशीटेड केसेस होते हैं, उन सबको सुपरवाइज करते हैं, ये सबको पता था। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने आज बयान दिया
किया कि जांच अधिकारी लगातार दबाव में खुदकुशी कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर के सीबीआई ने बकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि जितेंद्र कुमार डिप्टी लीगल एडवाइजर थे, किसी भी तरीके से वो जांच से जुड़े हुए नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो चार्जशीट हो चुके हैं मामले उन सबको सुपरवाइज कर रहे थे, उन सबको देख रहे थे। इसके अलावा सीबीआई ने कड़े शब्दों में ये भी कहा है कि जिस तरह से ये एक्साइज पॉलिसी का जो मामला है उसको लेकर के सीबीआई जांच कर रही है, उसमें किसी को भी अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है, यानी कि सब अभी जांच के दायरे के अंदर है। और इसके अलावा जिस तरह से ये विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, जिस तरह से एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जांच अधिकारी ने खुदकुशी की, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पूरी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को इंटरफेयर करने की या दबाव की राजनीति के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ एक्साइज पॉलिसी की जांच जो सीबीआई कर रही है, बल्कि जितेंद्र कुमार जिन्होंने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, उन्होंने किसी का भी नाम अपने सुसाइड नोट में नहीं लिया, ना कोई सुसाइड नोट मिला था। और इसके अलावा जो इंक्वेस्ट इंक्वायरी दिल्ली पुलिस कर रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीबीआई ने सीधे तौर पर कहा है कि जो मनीष सिसोदिया का जो बयान है वो सीधे तौर पर गलत है, विरोधाभासी है और एक तरह से जांच को भटकाने वाला ये मामला है। जी जितेंद्र, अगर बात की जाए इस मामले के शराब घोटाले को लेकर, बीजेपी रोजाना आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, कभी 144 करोड़ के सवाल के साथ, कभी स्टिंग ऑपरेशन के साथ में। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तथ्यों के आधार पर जवाब देने के बजाय एक जो मामले को घुमा करके कहीं ना कहीं सीबीआई के को इस मामले में घसीट रही है, राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ना चाहती है जबकि कानूनी तौर पर फंसी हुई है आम आदमी पार्टी। देखिए, जब भी आम आदमी पार्टी से एक्साइज पॉलिसी को लेकर के बात की जाती है तो वो सीधा शिक्षा के ऊपर चले जाते हैं कि हम शिक्षा में इतना, स्कूल को इतना अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली की शिक्षा को लेकर के काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी एक्साइज पॉलिसी को लेकर के बात की जाती है तो उसके बारे में किसी तरह का जवाब नहीं देते, हमेशा कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज भी बीजेपी ने जब उनके ऊपर आरोप लगाए, बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया जिसमें एक आरोपी के पिता के हवाले से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद भी जब पूछा गया तो उन्होंने इस पूरी बात को भटकाने की कोशिश की। वो इसे राजनीतिक मुद्दा लेकर के चल रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो उनके ऊपर निशाना बना रही है, उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। और आज तो यहाँ तक ये कह दिया कि सीबीआई के डिप्टी लीगल जो एडवाइजर डिप्टी लीगल ऑफिसर थे उन्होंने जब खुदकुशी की तो उसको बकायदा जांच अधिकारी बता करके भटकाने की कोशिश की। तो ये हमेशा से आम आदमी पार्टी की राजनीति रही है कि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसे हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं। इस मामले पर सीबीआई ने सफाई दे दी है और साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया का जो बयान है वो भ्रामक है और कतई सही नहीं है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि शराब नीति के इस पूरे खेल में 80-20% कमीशन लिया गया है। मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है सीबीआई की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में डायरेक्टर इत्यादि है, बेटे पिता सब। तो ये कुलविंदर मारवा का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें वो पूरा मोडस ऑपरेंडाई किस प्रकार से कमीशन खाया जाता था और केजरीवाल सरकार की नीति कैसी थी इसका पर्दाफाश करते हैं। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो।